बोधगया प्रखंड के कई गांव में अचानक बाढ़ आने से कई घर डूब गए, फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर खुले आसमान के नीचे खतरे का सामना करते हुए रात बिताने को मजबूर है। देखिए क्या हालात हैं। काफी इंतजार करवाने के बाद जब बारिश आई तो साथ राहत नहीं आफत लाई। बोधगया प्रखंड की तस्वीरों को देखिए जो तबाही के शुरुआती संकेत दे रहे हैं। इलाके से गुजरने वाली मुहाने नदी और निरंजना नदी उफान पर है जिससे इलाके के कई गांव जलमग्न हो गए। ये इस डैम जो बना है, डैम के ऊपर से ये पानी जो आ रही है हमारे ग्राम बतासपुर में, ये बहुत हम लोग को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमारे सारे जायदाद को बहुत नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि हमारे गांव के कई घरों में पानी घुस चुका है और यदि थोड़ा भी बहुत आती है तो पूरे गांव के चारों तरफ से पानी घिर चुका है। हम लोग बहुत क्षति में हैं। बसाड़ी, घुगरिया और बतसपुर पंचायत में ही तो सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। घुगरिया स्थित बालू पर टोला के करीब 100 महादलित परिवार अचानक आई पानी की तेज धार से बेघर हो गए। बर्तन राशन सब पानी में बह जाने से फाके की नौबत आ गई। जनावर से हम लोग के दादा गया, खाना नहीं बना से वगैरह से हम मत वैसे अनाज पान जब मैं से दा गया लौटता था खाना नहीं खाए अभी तक नहीं कोई साधन नहीं है। हम क्या करें, से अभी से हम लोग खाना नहीं खाया है ना। उसको पाल पर छोटा छोटा काम लग के था पर हम लोग का सुना नहीं है तो सरकार हम लोग दोस्त नहीं क्या इतना से नहीं दिया ना गल दिया ना कोई फूल दिया आने के अभी देख लीजिए कि क्या हमारा हालत है गाँव में। और हम हमारा देख रहे हैं, हम यही मांग करते हैं कि हमारा चाहिए इसे रोड बन जाए। हम लोग के अभी कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो कोई हमारा नहीं है, ले जाने के कोई साधन नहीं है हमारा। हर तरफ पानी ही पानी देख बच्चों की तो मौज हो गई है। वो खूब खेल कूद रहे, मजे कर रहे, लेकिन खतरे और नुकसान दोनों को बड़े भली भांति समझ रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो जल्द पूरे इलाके में सूखी जमीन नहीं दिखेगी। लोग प्रशासन से मदद और क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। बोधगया बतसपुर में बाढ़ के कारण हम लोग के सारा धान रोपा हुआ था जो सब डूब गया। ये बसाड़ी पंचायत में पड़ता है और बोधगया ब्लॉक पड़ता है। जिसने सरकार से मेरा यही मांग है, इसका उचित मुआवजा दिया जाए। कहीं मवेशी तो कहीं फसल बह गई। लोग जान बचाने को भगवान भरोसे हैं, प्रशासन की ओर मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं और मौसम विभाग के पूर्व अनुमान की माने तो हालात और बिगड़ सकते हैं। निचले इलाके में ये पानी पहुंचेगा तो उधर भी तबाही का मंजर होगा। प्रशासन जल्द सचेत हो और लोगों तक मदद पहुंचाए। बोधगया से कशिश न्यूज के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो बोधगया थाना क्षेत्र के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा। महीनों नदी के तट पर बसे बतसपुर समेत कई गांव जलमग्न हो गए। विधायक कुमार सर्वजीत, डीएम त्यागराजन ने इन गांवों का दौरा किया। एक्चुअली मुहाने नदी पे एक डैम बनी थी, तो डैम जब बन रहा था तो भी हम लोगों ने सुझाव दिया था कि कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास दोनों तरफ से बोल्डर उसमें लगना चाहिए। और ऐसा नियम भी है कि अगर कहीं पे डैम बन रहा है और आसपास में अगर कोई गांव है तो उनको बोल्डर देकर। कल रात से पानी लगातार बढ़ रहा है, इसमें बांध में ओवरफ्लो कर करके एक टोला में पानी घुसा है और कुछ खेतों में भी पानी घुसा है। इसको हम लोग आकलन कर रहे हैं तत्काल, तो लोगों को सुरक्षित रखने का और हम लोग फोरकास्ट भी लेने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं, कल भी बारिश हुई है, लोगों का सुरक्षा और जान माल की क्षति नहीं, इसी पर अभी तत्काल प्राथमिकता है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बाढ़ के हालात बोधगया में बन चुके हैं, जिसके बाद कुमार सर्वजीत भी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। अधिकारियों के साथ उन्होंने बोधगया के कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं, लोग परेशान है, कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला है। मुहाने नदी
के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद अब बाढ़ के हालात बन चुके हैं और कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और इस बीच विधायक कुमार सर्वजीत ने मौके पर पहुंच अधिकारियों के साथ जायजा लिया। संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बोधगया के कई गांवों में तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, फिलहाल अभी क्या हालात वहां पर? तो झारखंड से लेकर बिहार तक लगातार हो रही बारिश के बाद अब बाढ़ के हालात बन चुके हैं, लोग परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आज के दिन को लेकर भी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है।